कितनी बेवकूफ हो तुम नियति, जिस इंसान को जानती नहीं उसके लिए अपनी जान देने चली आई। कोई बात नहीं, अब ये गलती तुम अगले जन्म में मत करना, क्योंकि ये जन्म तो तुम्हारा खत्म। अगला जन्म किसने देखा अक्षत? मैं तो इसी जन्म आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। अक्षत, 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 आके खोलो, अक्षत, अक्षत, आके खोलो प्लीज, अक्षत, क्या हुआ तुम्हें? अक्षत, 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 आके खोलो प्लीज, अक्षत, अक्षत, आके खोलो, अक्षत। डॉक्टर दक्ष, क्या हुआ इसे, आंखें क्यों नहीं खोल रही है? फिक्र मत कर, काली शक्ति कमजोर पड़कर इस तावीज में आ गई। अक्षत अब ठीक है, डोंट वरी। यति, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम इस जंगल में क्यों आए? कुछ नहीं हुआ अक्षत, सब ठीक है। महादेव की बहुत कृपा है हम पर, सब ठीक है। नहीं, तुम अक्षत को अपने कंट्रोल में नहीं ला सकते हो, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा मोहर है। नहीं, अक्षत मेरे खिलाफ नहीं जा सकता। दक्ष, तुम जानते नहीं हो तुम किससे टकराने की गलती कर रहे हो। लेकिन नियति, मुझे हुआ क्या और ये कौन है? अक्षत, इन्होंने हमारी बहुत मदद की है। मदद? कैसी मदद? नीति, क्या हुआ है मुझे? और हम लोग इस जंगल में क्या कर रहे हैं? अक्षत, तुम्हें सच में कुछ याद नहीं? मुझे 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 बस इतना याद है कि शादी के वक्त हम दोनों बहुत खुश थे। उसके बाद मैंने तुझे मंगलसूत्र पहनाया, फिर सिंदूर लगाया, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं।
हमें इसे सब बताना होगा। कैसे बताऊं? वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। क्या क्या बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा? तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? क्या क्या बात कर रही हो तुम दोनों? प्लीज प्लीज मुझे सब बता दे। नीति, कुछ तो तुम मुझसे छुपा रही है, प्लीज जवाब देना। नीति अक्षत, तुझे मेरी कसम नहीं थी, प्लीज प्लीज मुझे बता दे क्या हुआ। मैं तुझसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। लेकिन पहले तू वादा कर कि तू गुस्से में कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। लेकिन ऐसा हुआ क्या नहीं थी? प्रॉमिस। ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा। अक्षत, वो मैंने वो सब किया नियति के साथ, यकीन नहीं हो रहा। मैं इतना कैसे गिर सकता हूं? इतना इतना बदतमीज कैसे हो सकता हूं? नियति, आई एम सॉरी, मैंने तुझे हर्ट किया और उस लड़की को भी मार डाला। मैं ये सब कैसे कर सकता हूं? मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा। कैसे जीऊंगा मैं ये सब करके? मैंने कहा ना, तुम उस वक्त अपने होश में नहीं थे। तुमने वो सब किसी के इशारों पर किया। मगर किया तो मैंने, आना नहीं थी। अपने इन्हीं हाथों से मैंने किसी की जान लिया नहीं थी। कातिल हूं मैं नहीं थी, और मुझे सजा मिलनी चाहिए। मैं इतना बड़ा गुनाह करके मैं चैन से नहीं जी सकता। अक्षत, नहीं। अक्षत, अक्षत, खुद को ब्लेम मत करो, असली गुनहगार कोई और है। जानते हो आज कौन सा दिन है? महाशिवरात्रि। और आज तुम्हारी पत्नी ने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर तुम्हारी जान बचाई। ये सच है अक्षत, और ये भी सच है जो तुमने अभी अभी सुना, एक कड़वा सच। जानते हो, शिवजी ने दुनिया को बचाने के लिए जहर पिया था, एक उसी तरह से तुम्हें भी इस कड़वे सच को जहर की तरह पीना होगा। अपने और अपने परिवार को बचाने के लिए तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी ताकत, तुम दोनों मिलकर किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हो। अक्षत, क्या हुआ अक्षत? अक्षत, अक्षत, क्या हुआ अक्षत? अक्षत, ऐसा लगा जैसे किसी ने हजार हजार सुइयां एक साथ छुपा दी हो। वैसे ही दर्द हो रही थी। ये तो होना ही था। मेरे तंत्र को एक ताबीज से काटना इम्पॉसिबल है नहीं थी। ताबीज से इसे आराम तो मिला, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। क्या मतलब? काली शक्ति अब भी अक्षत के अंदर मौजूद है, और ये ताबीज इसे सिर्फ 30 दिन तक ही कंट्रोल कर सकता। सिर्फ 30 दिनों तक? हाँ, और इस दौरान ये जब भी किसी मंदिर या भगवान की मूर्ति या किसी भी इस तरह के पवित्र स्थान पर जाएगा
तो दोनों शक्तियों के टकराने से इसे तकलीफ होगी। तो क्या मेरा अक्षत ऐसे ही तड़पता रहेगा? कोई और सॉल्यूशन तो होगा? सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि अक्षत के ऊपर तंत्र कौन सा हुआ है, उसके बाद ही इस तंत्र को काटने का तरीका ढूंढना होगा। सिर्फ कंचन नहीं बता सकती, लेकिन वो कभी नहीं बताएगी। तो मेरी प्यारी जुड़वा बहन मुझसे मिलने आई गई। उसने कहा था कि इस बार तंत्र के बारे में बताकर वो दोबारा गलती नहीं करेगी। फिर भी अक्षत, मुझे उससे मिलना होगा। नहीं, तू अकेले नहीं जाएगी, मैं भी जाऊंगा तेरे साथ। बहुत तकलीफ दी है मैंने तुझे, अब मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। नहीं थी मेरी वजह से इतना कुछ सहा है तूने, मैं हर कदम में तेरे साथ खड़ा, हर वक्त। लेकिन अक्षत, कंचन के पास जाने से पहले हमें घर जाना होगा। मैंने माँ को कहा था कि हम दोपहर तक वापस आ जाएंगे, वो परेशान हो रही होंगी। और हाँ, ये जो भी हुआ हम घर में किसी को नहीं बताएंगे। ठीक है, जैसे तुझे अच्छा लगे।